कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई एम दीप्ति और फ्रेंड आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपकी हेयर शाइन कर रहे होंगे। वीडियो देखते देखते लाइक और कमेंट जरूर करना और इस रेमेडी को यूज करके मुझे बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि 7 डेज तक मैंने अपने फेस पे आइस क्यूब को रब किया और मुझे क्या रिजल्ट मिला। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला गाइस। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक आइस क्यूब को अपने फेस पे रब करने से इतने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 7 डेज की क्लिप दिखा ही देती हूँ कि मैंने वाकई में इसे अपने फेस पे यूज किया और साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले। गाइस, मैं तो इस रेमेडी को रेगुलर फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है और आइस क्यूब बनाने के लिए चाहिए क्या सिर्फ पानी। तो चलिए आप मेरी इन क्लिप्स में ऊटपटांग शक्लें देखिए और साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी सुन लीजिए। रेगुलर आइस क्यूब यूज करने से मैंने ये फील किया कि मेरी स्किन धीरे धीरे ग्लोइंग एंड रेडिएंट बनती जा रही है। सही में गाइस, एक आइस क्यूब को अपने फेस पे रब करने से बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील होता है। और इसमें आपको ज्यादा करना भी क्या है, बस अच्छे से फेस वॉश कर लेना है और फिर उसके बाद एज अ टोनर आइस क्यूब को अपने फेस पे रब कर लेना है और उसके बाद किसी टॉवल का यूज मत करना और ऐसे ही पानी को सूख जाने देना। उसके बाद एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा लेना। ओपन पोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा भद्दी दिखने वाली प्रॉब्लम, उसे सॉल्व कर रहा है और क्या चाहिए। बिलीव मी गाइस, 7 डेज इसे आप यूज करके देखिए मेरी तरह, ओपन पोर्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं। अगर आपके फेस पे इन्फ्लामेशन यानी सूजन है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे एक्ने है तो ये उसे भी रिड्यूस करेगा, रेडनेस कम करेगा। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं और आप इसे रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपको ये खुद फील होगा कि पिंपल्स के साइज धीरे धीरे छोटे होने लगे हैं और एक टाइम तो गायब भी हो जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके अच्छे बेनिफिट्स मिले तो उसे यूज करने से पहले एक आइस क्यूब को अपने फेस पे जरूर रब करें, क्योंकि ऐसा करने से जो प्रोडक्ट की एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। हमारी स्किन बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है। अगर आपके अंडर आईज में बैग्स बनते हैं जस्ट लाइक दिस, तो आप जरूर 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 यूज कीजिए इसे। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बट अगर आप इस सिंपल एंड क्विक रेमेडी को यूज करते हैं ना तो यूं चले जाएंगे ये अंडर आईज बैग्स। अच्छा बताओ, किसी को बुढ़ा दिखना पसंद है? नहीं ना। तो आपको यूज करना है सिर्फ एक आइस क्यूब, A to Z सारे रिंकल्स, सारे फाइन लाइंस चुटकियों में गायब हो जाएंगे। बस ये रेमेडी जितनी ही इजी दिख रही है ना, उतनी ही रेगुलरिटी के साथ आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आइस क्यूब को रब करने से पिंपल्स एक्ने होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। और ये प्रोसेस कोई इतनी टफ तो है नहीं कि आपको 15 मिनट बनाने में लगेगा और 15 मिनट यूज करने में लगेगा, फिर 15 मिनट सुखाने में लगेगा, फिर 15 मिनट धोने में लगेगा। सिंपली आपको एक आइस क्यूब अपने फ्रिज में से निकालना है और अपने फेस पे रब करना है। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा कि सेम प्लेस पे आइस क्यूब को बहुत देर तक मत रखिएगा, नहीं तो रेडनेस आने लगेगी। अपने फोरहेड पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए आइस क्यूब को मत रब कीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था तो मुझे हेड में पेन होने लगा था, मे बी आपको हो या ना हो। और एक दिन में इस प्रोसेस को सिर्फ एक ही बार फॉलो कीजिएगा। आइस क्यूब यूज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होगा, आपका स्किन टोन लाइटन भी होने लगेगा। अब एक सिंपल से आइस क्यूब को यूज करने से इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए। तो जल्दी जल्दी से यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं कट्टी हो जाऊंगी, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना, रेड वाला बटन दबा ही देना। आई होप आपको इस रेमेडी से कोई हेल्प मिली होगी। और अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती है, मेरे हेयर स्टाइल के वीडियोस अच्छे लगते हैं और रिसेंटली मैंने टेस्टिंग आउट वायरल हेयर हैक्स एंड ब्यूटी हैक्स पे वीडियो बनाया है वो अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।